जिन्हें छोटा छोटा पैसा मिलना था, कर्ज माफी के माध्यम से राहत मिलनी थी, और हो सकता है वो उस कारण आत्महत्या न करते, तो हमारी संवेदनहीनता इतनी हो गई, संवेदनशीलता इतनी मर गई कि उनके हजारों हजार रुपए जो थोड़े छोटे रुपए थे वो भी हम खा गए। रेफरेंस फेज टू दी सीएजी रिपोर्ट ऑन लोन वेवर स्कीम। विदर्भ में प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, वो स्वयं गए थे जहां इन्होंने इस पूरे स्कीम को इनॉग्रेट किया था। आंध्र में बाकी प्रदेशों में किसान पीड़ित होकर इस कर्ज के कारण आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। जितना करप्शन इस सिस्टम में है, जब तक उसको इरेडिकेट नहीं किया जाता है, सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। If there are any irregularities which have been shown, I assure the House we will take the stringent possible action against the defaulter. If the intention is corrupt, then the execution has no other option but to be corrupt. नमस्कार, मैं रविश कुमार। किसान आपको अनाज खिलाता है, सिस्टम में बैठे लोग हैं जो किसान का कर्जा तक खा जाते हैं। सीएजी की एक और रिपोर्ट आ गई है। यूपीए सरकार ने 2008 में देश के किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना लागू की थी। इस योजना में कथित रूप से घोटाला हुआ है। 3.45 यानी 3,45,00,000 छोटे मझोले किसानों का कर्ज 52,000 करोड़ माफ करने की जांच हुई थी, साफ करने का रिजल्ट निकल आया। किसान का पैसा कौन खा गया? ऐसा नहीं था कि माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह आइए और पैसा ले जाइए। ये तब क्यों हो गया जब कर्ज की राशि बांटने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। खुद सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि वित्त मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया, दिशा निर्देश तय किए गए कि किस किसान का कर्जा माफ होगा और कैसे होगा आदि आदि। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया कि आप नजर रखिए कि कैसे कमर्शियल बैंक, शहरी सहकारिता बैंक, नाबार्ड पैसा बांट रहे हैं। इसके बाद भी सीएजी ने जब 90,576 मामलों की जांच की तो 20,216 मामलों में गड़बड़ियां निकल आईं, यानी हर पांच में से एक में धांधली। कई योग्य किसानों को कर्ज माफी नहीं दी गई। 8.6% मामलों में गलत खातों में कर्ज माफी का पैसा गया। 34% किसानों को कर्ज माफी के सर्टिफिकेट ही नहीं दिए गए। 3,45,00,000 किसानों के बीच ये जो 52,000 करोड़ की राशि बांटी गई है, उसका हिसाब लगाइए तो हर किसान पर करीब 15,000 रुपया बैठता है। 25 राज्यों के 92 जिलों में ये गड़बड़ियां पाई गई हैं। 9 राज्यों में 9,000 से कुछ अधिक खातों की जांच की गई है तो पता चला कि माफी के लिए योग्य 1200 से अधिक किसानों का पैसा दिया ही नहीं गया। इस योजना की मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें भी कमियां हैं। सीएजी के कहने पर इन एजेंसियों ने आदेश भी जारी किया इस जनवरी में कि गलत लोगों को पैसा दिया गया तो पैसा वापस लिया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। 2000 की इस योजना को 2010 तक लागू करना था। सवाल है कि इन 2 सालों में सरकार की अपनी संस्थाओं को क्यों नहीं पता चला कि गड़बड़ी हो रही है। जाहिर है संसद में हंगामा होगा। यूपीए के मंत्री कहते हैं कि जब सीएजी की रिपोर्ट लोक लेखा समिति में जाती है, वहां जांच होती है, तो इससे पहले हंगामा क्यों कर रही है बीजेपी, जबकि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तो विपक्षी दल के नेता ही होते हैं। जब भी सरकार फंसती है, अचानक से संसदीय प्रक्रिया में स्टैंडिंग कमेटी और लोक लेखा समिति महत्वपूर्ण हो जाती है। खैर, बीजेपी देगी इसका जवाब, मगर क्या यह आरोप गंभीर नहीं है कि किसानों का पैसा तब भी खा लेते हैं लोग जब इनके नाम पर हर नेता देवता बनता दिखता है? जवाबदेही किसकी है? एक सवाल राजनीतिक जवाबदेही का है, जिसने पूरे सिस्टम को बाध्य किया कि एक समय सीमा के भीतर कर्ज माफी कर दी जाए, क्योंकि 2009 के चुनाव नजदीक आ रहे थे। बैंकों और कर्ज देने वाली तमाम संस्थाओं को दबाव में काम करने दिया गया, जबकि बैंकों ने शिकायत की थी कि कम समय मिलने के कारण दिक्कतें आ रही। सीएजी की रिपोर्ट पढ़कर लगता है कि दिशा निर्देश तो बनाए गए मगर उन्हें ढीला रखा गया ताकि ये पैसा किसी तरह से बंटता हुआ दिखे। आप भी सीएजी की वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, उन बैंकों पर उंगली उठी है जिन्हें कर्जा माफ करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सीएजी ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश के मुताबिक पर्याप्त निगरानी नहीं की, बैंकों ने अपने स्तर पर किसानों को की सूची बनाई और कर्जा माफ किया और बदले में सरकार से पैसा ले लिया, रिइंबर्समेंट। सीएजी का कहना है कि किसी स्वतंत्र एजेंसी से इन सूचियों की जांच नहीं कराई गई। लगभग हर पार्टी की सरकारों के राज्य के बैंकों के सैंपल में यह गड़बड़ी पाई गई है। उदाहरण के तौर पर 1,00,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए ये पैसा बांटा गया,
4 करोड़ खातों की जांच, 1 लाख सहकारिता सोसाइटी की जांच, जरा सोचिए जांच का नतीजा कब निकलेगा। ऊपर से शरद पवार जी कहते हैं कि 90,000 सैंपल के दम पर अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है, नहीं लगाना चाहिए और खातों की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन प्राइवेट से लेकर सरकारी और सहकारी बैंकों के हाथ से इतना पैसा गलत लोगों के हाथ में कैसे चला गया। ये बैंक आपसे एक एक पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन इन्होंने गलत लोगों को का कर्जा कैसे माफ कर दिया, किसके इशारे पर, कौन थे जो किसानों का पैसा खा गए और कौन थे जो किसानों को खिलाने लगे। ये जवाबदेही का वक्त है या सख्त कार्रवाई के आश्वासन भर का, हम प्राइम टाइम में इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर साहब, प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और संसद में इस मसले को जोर शोर से आप उठा भी रहे हैं, देवेंद्र शर्मा हैं कृषि विशेषज्ञ हैं, हम 3 लोग ही हैं, इसलिए इसकी बारीकियों पर हम डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। तारिक अनवर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये गड़बड़ी हर स्तर पर दिख रही है, हर जगह दिख रही है। सीएजी की रिपोर्ट आने से पहले तक क्या कभी किसी स्तर पर आप लोगों की निगरानी में ये बात ही नहीं आई कि इतनी बड़ी संख्या में, तारिक अनवर साहब, इतनी बड़ी संख्या में ये पैसा गलत लोगों को जा रहा है, जिसको दिया जा रहा है वो पात्र नहीं है और उससे किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं लिया जा रहा है, इसमें बीजेपी का आरोप ये क्यों नहीं तर्कसंगत लगे कि घोटाला हुआ है, आपकी जवाबदेही बनती है। देखिए, हम लोग के देश में जो सबसे बड़ी हमारी कमी कहा जाए, कमजोरी कहा जाए, वो है डिलीवरी सिस्टम। और इसीलिए आपने सुना होगा कि कैश ट्रांसफर के लिए जो बात चल रही है उसमें ये कहा गया है कि डायरेक्ट ट्रांसफर हो और इसको सही लोगों तक पहुंचाया जाए। ये जो प्रोग्राम बनाया गया था किसानों को राहत पहुंचाने के लिए या उनको रिलीफ देने के लिए, उसके पीछे नीयत यही थी, मकसद यही था कि जो किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं उनको थोड़ी राहत मिल जाए। और इसीलिए ये प्रोग्राम या यूपीए सरकार ने फैसला किया कि उसको जो है किसानों तक पहुंचाने काम के लिए, और इसीलिए इसका बहुत सोच समझ कर इसकी निगरानी के लिए और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिजर्व बैंक को और नबार्ड को इसमें इन्वॉल्व किया गया था, ताकि उनके निगरानी में तमाम जो सही मानों में जो इसके लिए हकदार हैं किसान, उनको ये पहुंच जाए। लेकिन जहां कमी रही है, आज भी ये मामला पार्लियामेंट में दोनों सदन में उठाया गया, प्रधानमंत्री ने भी कहा है और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम उसके खिलाफ जिन लोगों को पैसा दिया गया उससे पैसा मैं तारीख अनवर साहब तारीख अनवर साहब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था, लेकिन ये रिपोर्ट 30-31 पेज की रिपोर्ट है, आपने पढ़ी होगी अभी, आपकी नजर में किसकी जवाबदेही बनती है? नहीं, पूरी रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी। आपने नहीं पढ़ी? जवाबदेही जो जिसको दिया गया, रिजर्व बैंक की जवाबदेही है और नबार्ड की जवाबदेही है, नबार्ड की जवाब। प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है, तारिक अनवर साहब देश के कृषि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी लेकिन चर्चा सुनी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, वो नबार्ड और रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में भी नबार्ड, रिजर्व बैंक और वो वित्तीय संस्थाएं जिनके जरिए ये कर्जा दिया गया और वित्त मंत्रालय की भी एक निगरानी की बात, उसके तत्वाधान में सब करने की बात होती है, सीधा सीधा आपने सरकार पर उंगली उठाई है, ये कह रहे हैं कि नाबार्ड और रिजर्व बैंक के स्तर पर, बैंकों के स्तर पर ये गड़बड़ियां हुई हैं। पहले तो वित्त मंत्री ये घोटाला मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं अनियमितता ही हुई। हम कह रहे हैं कि अगर नतीजा और फाइंडिंग्स ये है, बिल्कुल, कि अल्टरेशन, यही सीएजी ने भी कहा है। वही मैं बता रहा हूं, एक मिनट, अल्टरेशन है, ओवरराइटिंग है, और तीसरा एक शब्द उन्होंने यूज किया है, टेम्परिंग है। अब ये तो क्रिमिनल फ्रॉड है, ये ऑफेंस है, इसी को स्कैम कहते हैं अगर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो। अगर आपकी संस्थाएं ओवरराइट करती है, 30,000 का 3 लाख करती है, 3 लाख का 30 लाख करती है, और टेम्परिंग करते हैं कि रावी जी किसान नहीं है लेकिन उनका नाम लिख लेते हैं, तो यही तो टेम्परिंग और ओवरराइटिंग और अल्टरेशन है ना। तो ये जो होगा, ये कितना हुआ है, ये घोटाला है, और इसलिए सादा घोटाला नहीं है, महाघोटाला है। और हमें समझना चाहिए कि 3 करोड़ 72 लाख में से
केवल 90,000 खातों की जांच पड़ताल, ये भी बहुत अच्छा बड़ा सैंपल है कि दिशा दिखाने के लिए। लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि क्योंकि इतने किसान आ रहे हैं हमारे पास कि उनको नहीं मिला है बेनिफिट, और ये विदर्भ के किसानों के आत्महत्याओं को आईना दिखाकर ये शुरू हो गया था स्कीम, लेकिन विदर्भ के किसानों को 10% भी किसानों को नहीं मिला है बेनिफिट, तो कौन खा गया किसानों का पैसा? और समझ लो, मैं आज सवाल पूछ रहा हूं मंत्री महोदय से, 5 लाख रुपए से ज्यादा किसका कर्ज माफ हुआ है वो लिस्ट आप घोषित करने के लिए तैयार हो क्या? क्योंकि आखिर माफी जो होती है गरीब किसानों के नाम पर होती है, तो 50,000 माफ होगा, 5-5 लाख किसके माफ हुए वो निकालो, फिर घोटाले की सारी परतें खुलेगी। ये एक पॉइंट रख रहे हैं, मैं देवेंद्र जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक पॉइंट रख रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर कि जिन किसानों के 5 लाख 6 लाख रुपए माफ हुए हैं उनकी जरा सूची निकाली जाए तो पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं, किसान हैं कि नहीं है या किसी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता हैं। इस पर जवाब तारिक अनवर साहब। बिल्कुल, ये जब जांच होगी और ऐसे इसकी भी सूची तैयार होगी, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, ये तो बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी नेता का कैसे उसका संबंध हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो सरकार उसको पूरी संजीदगी से लेगी, और क्योंकि ये पूरा जो योजना थी, ये जो पूरा कार्यक्रम था, ये छोटे और मझोले किसान की मदद के लिए किया गया था, और अगर इसका फायदा किसी कुछ लोगों ने उठाया है गलत ढंग से तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनसे जो है पैसा वापस किया जाए। मुझे बेचैनी हो रही है आपकी बात से, मैं असहमति जताने की, किसी को संकोच नहीं होना चाहिए, आपकी बात से मैं असहमति जताने की इजाजत चाहता हूं। मुझे बताएं आप, मुझे घोर दिक्कत हो रही है आपकी इस बात से। बैंक शिकायत कर रहे थे कि आपने बहुत कम वक्त दिया है, आप दबाव डाल रहे थे या जानबूझकर आंखें बंद कर रहे थे। आप कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, 1-1 लाख के बैंक शाखाएं हैं, ये कब तक जांच होगी? जब तक गड़बड़ी हो रही है, घोटाला हो रहा है, तब तक आपको पता तक नहीं चलता है। एक रिपोर्ट आती है तो फिर उसको वो जीरो बजट और पता नहीं क्या क्या कहा जाने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में आपको तो एक बार थनक तक नहीं मिलता आपको, ऐसा है। एक सवाल और कि सीएजी जब रिपोर्ट बनाती है तो पब्लिश करने से पहले आपके मिनिस्ट्री में देती है? ना, हमारी व्यवस्था में, हाँ देखिए, ऐसा है कि सीएजी किस लिए है? सीएजी जो है, ये जो हर विभाग की जो जांच करती है वो इसीलिए करती है ना, वो भी तो सरकार का ही एक अंग है, एक हिस्सा है। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की है, लेकिन वो भी तो एक संस्था है, और वो संस्था इसी के लिए बनाई गई है कि किसी भी विभाग में अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है, चाहे वो नियम के में गड़बड़ी हो या घोटाला हो, तो उसको वो उजागर करे। उसके बाद हमारे यहाँ व्यवस्था है पीएससी की, और वो पीएससी में जाता है, फिर पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट जिसमें सभी पार्टी के लोग हैं और जिसमें विपक्ष तो के नेता उसके अध्यक्ष, या फिर सीएजी, इससे ज्यादा और निष्पक्ष क्या हो सकता है? सर, बात सिस्टम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, प्रकाश जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं तारिक अनवर जी से मेरा सवाल आप कह लीजिए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई पीएससी कितनी महत्वपूर्ण है, और आपने भी शुरू में कहा, अब उनको याद आती है पीएससी की, लेकिन पीएससी सिस्टम को देखती है गहराई से, जांच पड़ताल करती है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, और इसलिए जो फ्रॉड हुआ है, जो ओवरराइटिंग हुआ है, जो टैम्परिंग हुआ है, उसको सीबीआई जांच करेगी, वो यही तो हमारी मांग है। आपके किसी कार्यकर्ता में, यही तो मांग है आपके किसी, आपके अपने पॉलिटिकल सिस्टम से ये बात जाहिर नहीं हुई कि पैसा गलत किसानों को मिल रहा है? मैं ये जानना, सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, कि 21,182 खातों की जांच होती है और उनमें ये कहा जाता है कि रिसीविंग सर्टिफिकेट, प्राप्ति की जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया गया। जब सीएजी पूछती है तो बैंक वाले ये बताते हैं कि ये या तो इनमें से मर गए हैं या इनका पलायन हो गया है। अगर पलायन हो गया है तो ये आपकी तमाम योजनाओं पर राजनीतिक टिप्पणी है कि जिन किसानों का आपने कर्जा माफ किया वो भी आप उस जमीन पर खेती करने लायक नहीं है। और दूसरा, क्या इतनी बड़ी संख्या में किसान मर गए जो कर्ज लेके गए थे? देने का लिस्ट बनाने में गड़बड़ी है, इसका मतलब धांधली चल रही थी ना खुल के? सर, छानबीन होगी? नहीं, छानबीन हुई है नहीं, गड़बड़ी हुई है,
देखिए हमने कहा ना, जहां इतने बड़ा प्रोग्राम हो, जहां 52,000 करोड़ रुपए को गरीब किसानों में बांटना था और वहां एक सेक्शन या एक थोड़े से लोगों ने अगर गड़बड़ी की है तो इसकी संभावना हमेशा रहती है और हर जगह होती है। जितना भी हम लोगों का कार्यक्रम चलता है, चाहे वो राज्य सरकार का कार्यक्रम हो या केंद्र सरकार का कार्यक्रम हो, आप पे डिलीवरी सिस्टम की हमेशा शिकायत होती है। इंदिरा आवास योजना हो या और कोई वृद्धा पेंशन हो या कोई भी चीज आप ले लीजिए, अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको ये शिकायतें मिलेंगी कि उनको सही ढंग से 10 साल सरकार चलाने का मौका मिला, 10 साल। लेकिन अब और आप 10 साल बाद कह रहे हैं कि डिलीवरी सिस्टम ठीक नहीं है, मतलब कोई तो किसी योजना में, एक योजना में तो आप तरीके से उसको दुरुस्त करके दिखाइए। हमारा नहीं, तो हमने इसीलिए तो रिजर्व बैंक को दिया, ठीक है। हमने हर तरह से, सरकार ने प्रिकॉशन लिया कि रिजर्व बैंक जैसी संस्था को दिया कि ये आप अपने निगरानी में इस काम का को करें। अब इसके ऊपर और किसको दिया सकता था, सीएजी को तो दे नहीं सकते थे हम लोग। अच्छा ठीक है, हमारे तीसरे मेहमान है देवेंद्र जी। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सीएजी ने पूछा था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यही जवाब दिया था कि हमें किसी तरह की मॉनिटरिंग की स्पष्ट हिदायत नहीं दी गई थी, लेकिन उस पर सीएजी कह रही है इस रिपोर्ट में कि हम उनकी इस दलील से सहमत नहीं होते हैं क्योंकि पहले ही उन्हें गाइडलाइंस बनाने से लेकर मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी गई थी। देवेंद्र शर्मा जी, हम ये बात जानना चाहते हैं कि जो तारिक अनवर साहब करें और जो प्रकाश जावड़ेकर साहब करें, इन दोनों के बीच में अगर आप इसका फैलाव देखिए तो तमाम राज्यों में है, 23 राज्यों में है और उसमें हर पार्टी की सरकार है। ये टिप्पणी पॉलिटिकल टिप्पणी है सीएजी की रिपोर्ट, या फिर उस सिस्टम की जो बैंक वाला वहां बैठता है और सबको पता है कि बैंक का मैनेजर किसान देने से पहले, किसान को कर्जा देने से पहले भैंस का कर्जा देगा तो उसमें से कुछ माल रख लेता है, गाय का देगा तो उसमें से कुछ माल रख लेता, सब कोई जानते हैं और कोई ये रिपोर्ट आने से पहले हंगामा नहीं करता है। देवेंद्र जी देखिए, जब ये लोन वेवर हुआ था तब मुझे याद है कि बहुत से जगह से किसानों ने, और मैंने भी खुद भी कहा था कि इसका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो ठीक नहीं है, लेकिन कभी किसी ने उस बात के उसको ध्यान नहीं दिया। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप उठा रहे हैं वो ये है कि रिजर्व बैंक को भी और नबार्ड को भी ये कहना कि हमें मालूम नहीं था, बिल्कुल गलत है। जो जिस डिलीवरी मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स का है। आज कोऑपरेटिव बैंक्स, चाहे कोई भी सरकार हो या कोई भी सरकार आए, कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो एक तरह का सरकारी खजाने को लोगों में बांटने का एक तंत्र बन चुका है और वो सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव, उसके अगर आप उसके स्टाफ को देख लें, उनका स्ट्रक्चर को देख लें कि वहां पर बड़ी धांधलेबाजी होती है और उसके बावजूद भी कोई भी सरकार उस पर सवाल नहीं खड़ा करती, उसको देखना नहीं चाहती, ना तो रिजर्व बैंक देखना चाहता है ना नबार्ड जानना चाहता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। और ये रीजनल रूरल बैंक्स का अगर नेटवर्क देखें वो भी उसके साथ ही काफी हद तक मिला हुआ है। तो बेसिकली जो धांधलेबाजी होती है ये कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर और आरआरबी के उस पर है, और ये कहना कि भाई बाकी नेशनलाइज्ड बैंक्स जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है ये भी गलत है। तो कहने का मतलब है कि उनका भी है, प्राइवेट बैंकों का भी ना है कि कितने व्यापक स्तर पर कितना बैंकों में भी गड़बड़ होती है और कितना उनके यहां भी करप्शन का जो है जो परसेंटेज है या करप्शन का जो रोल है वो बहुत बड़ा बैंकों में है। तो हम किस सिस्टम के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि ये कहना कि सिर्फ डिलीवरी मैकेनिज्म गलत है मैं नहीं मानता, क्योंकि आरबीआई को भी पता था, नबार्ड को भी पता था और सरकारों को भी पता है कि कोऑपरेटिव्स एक हमारे हाथ में एक ऐसा तंत्र है जिसका, जैसे सीबीआई सरकार मिसयूज करती है, ऐसे ही कोऑपरेटिव्स का भी हर सरकार मिसयूज करती है डिलीवरी मैकेनिज्म में। प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अभी तारिक अनवर साहब कह रहे थे, अभी देवेंद्र जी ने भी कहा कि बैंकों का नेटवर्क, चाहे वो कोऑपरेटिव के जरिए हो, जब ये बात निकलेगी तो पता चलेगा कि उस कोऑपरेटिव नेटवर्क में हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, कहीं चेयरमैन हैं, कहीं उसके कुछ हैं, वो भी निकलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई की जिम्मेदारी मानते हैं ज्यादा या सरकार की। मैं एक लाइन पढ़ देना चाहता हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बता रहा हूं मैं बैंक में काम कर चुका हूं। अच्छा। और राष्ट्रीयकृत बैंक में 10 साल काम किया हूं तो मुझे अनुभव है। ओहो। और मैंने बात सही बोली थी ना सर, भैंस वाली, तो मैं आपको सही बता रहा हूं ना अभी उत्तर। हाँ। कि बात साफ है
कि सरकार ने माना भी है दोनों सदनों में और कल के चर्चाओं में भी कि ये चुनाव के पूर्व संध्या पर घोषणा हुई थी, इसके कारण हम चुनाव जीते हैं। तो इसका मकसद राजनीतिक था, बैंकों ने जितना समय मांगा था इसके तैयारी के लिए वो देने के लिए सरकार तैयार नहीं थी, इसलिए सरकार की पहली जिम्मेवारी बनती है। दूसरी बात ये थी कि इसकी जांच पड़ताल और इसके लिए बहुत अपर्याप्त समय मिला। और महत्वपूर्ण बात है कि अब तो एक मंत्री ने कल यहां तक कहा कि इतनी बड़ी स्कीम होती है तो 20% घोटाला हो ही जाएगा, यानी इनका अभी मान्यता प्राप्त जो इंडेक्स है करप्शन का, जिसको वो घोटाला नहीं मानते, वो है 20% अगर गड़बड़ी होती है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है बोलते, हमें ये मान्य नहीं है। और ये कोऑपरेटिव हो कोई भी हो, देखो आतंकवाद और भ्रष्टाचार ये व्यक्ति और पार्टी से नहीं गिना जाता, ये समाज के लिए कलंक है और उसको कड़ाई से दंडित करना चाहिए, ये नीति होती है, इसमें व्यक्ति या पार्टी नहीं की जाती। मेरा कहना है, एक मिनट, अब एक एक बड़ी बात है, बड़ी बात ये है कि इनको आरबीआई और नाबार्ड, ये कोई आसमान से आई संस्था नहीं है, ये सरकारी संस्था है और इसलिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है। नहीं तो अब इन्होंने एक नया खेल शुरू किया है कि बोले ये किराया बढ़ाया, किसने, बोले इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बढ़ाया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अरे ये तो हद हो गई, लोगों ने आपको चुन के दिया है, आपने अथॉरिटीज तैयार की है। मैं पूछता हूं तारिक जी से, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। मैंने एक सवाल किया कि ये मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, बिहार हो, हर राज्य का इसमें नाम है, हर राज्य का इसमें नाम है। नहीं, वही मैं बता रहा हूं, ये वहां के बेनिफिशियरीज है। आप समझ लीजिए, ये ऑल इंडिया स्कीम थी, पैसा केंद्र सरकार से गया, बैंक और रिजर्व बैंकों ने अमल किया, इसमें राज्य सरकार की भूमिका 0% थी। चलिए, ये आपने स्पष्ट किया। पर तारिक साहब ये बताइए कि जिम्मेदारी सरकार की बनती है, आप आरबीआई के खिलाफ तो कोई एक्शन ले नहीं सकते, यही भरोसा दे दीजिए कि एक तो आपने 90,000 सैंपल को सर अपर्याप्त क्यों कहा, ये क्या काफी नहीं है क्या? मतलब कितना और सैंपल से पहले हम ये पता लगाएं कि घोटाला हुआ है, फिर जाकर हम जांच की इंक्वायरी करें, फिर मुझे ये बताइए कि कैसे लोगों को भरोसा दिलाएंगे और ये कब तक? 2010 से 2013 तक सर कोई सुखबुगाहट नहीं होती है, ये 1,00,000 बैंकिंग एजेंसियों को हम कहां से जांच कर लेंगे, 3,45,00,000 किसानों को कहां तक वेरीफाई करेंगे? जांच हो जी, जांच होगी, उसमें आप इत्मीनान रखिए, और जो भी लोग इसमें लिप्त हैं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सामने लाया जाएगा, चाहे वो बैंक के पदाधिकारी हो या वैसे किसान हो जो सही मानों में किसान नहीं है लेकिन इसका फायदा उन्होंने उठाया है, तो ये तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बात को इस सरकार ने बार बार कहा है, और ये भी सही है कि देखिए, जहां लगभग 4 करोड़ किसानों को के बीच में ये ऋण बांटना था, ये कर्ज बांटना, ये कर्ज को माफ करना था, तो वैसी हालत में जो 90,000 की आपने बात किया, ये सैंपल लिया गया, लेकिन ये इस अगर इसी को हम सही भी मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, अगर उनके जो अनुपात में वो कर रहे हैं, तो भी हम ये मान कर चलते हैं कि अगर ये बात सामने आई है तो सरकार किसी तरह से पीछे नहीं हटेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि इस योजना का बहुत श्रेय लिया है आप लोगों ने चुनाव के बाद। नहीं, कह सकता कि उससे आपको वोट मिला है कि नहीं मिला है, वित्त मंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए बहुत जरूरी थी। राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? कौन ऐसी पार्टी है जो हम ये पूछते, नहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम ये कहते हैं कौन ऐसी राजनीतिक दल है इस देश में जो किसी भी कार्यक्रम का, जो कल्याणकारी कार्यक्रम हो या जनता को जो भी सुख सुविधा पहुंचाने का कार्यक्रम हो, तो उसका वो श्रेय नहीं लेते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती है या दूसरी पार्टियां नहीं लेती हैं? भाई लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, राजनीतिक काम करेंगे, काम करने के बाद हम उसका श्रेय लेने का प्रयास करेंगे। बहुत चतुराई से और बहुत नफात, कोई राजनीतिक जिम्मेदारी, राजनीतिक जिम्मेदारी का सवाल था। नहीं, हम बिल्कुल नहीं कट कर रहे, हम ये नहीं, राजनीतिक जिम्मेदारी हमारी अगर होगी तो हम उसको भी कबूल करने को तैयार हैं,
लेकिन जो जो सीएजी ने जो बातें कही है वो अनियमितता की बात कही है। पैसा उन लोगों ने उठाया है जो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अब ये कह देना कि वो सारा प्रोग्राम ही गलत था या उस प्रोग्राम में खाली ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार था तो मैं ये नहीं स्वीकार करूंगा। एक सेक्शन के लोगों ने गड़बड़ी की है जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को सीख मिल सके। सिंपल सी बात है। अब हमारे जावड़ेकर जी बार बार कहते हैं सीबीआई से जांच कराओ। कल तक तो इनको सीबीआई पर विश्वास नहीं था, कहते थे ये कांग्रेस का चमचा है या यूपीए के चमचा है, हम राजनीतिक कामों के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी वो मांग कर रहे हैं, बीजेपी ये मांग कर रही है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो ये दोहरी बात दोहरी नीति जो भारतीय जनता पार्टी की, देवेंद्र जी हम ये जानना चाहते हैं, जरा सोच समझ के जवाब दिया करें। अच्छा अच्छा, प्रकाश जी उंगली उठा रहे हैं, कह लीजिए फिर मैं देवेंद्र जी। एक ही, हाँ प्लीज, मैं एक ही वाक्य में कहूंगा कि बहुत सही कह रहे हमारे मित्र तारिक अनवर जी कि हम सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसा लोग कहते हैं, अब्यूज यूज मिसयूज करते हैं ये भी कहते हैं और फिर सीबीआई मांगते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र से बनते हैं। ऐसा है, देश में दो ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, एक सीबीआई एक एनआईए है। एनआईए केवल आतंकवाद की जांच करती है, अब दूसरी कोई एजेंसी नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी तो एक ही एजेंसी है इसलिए, और इसका अर्थ है कि कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि कोर्ट नहीं मॉनिटर करेगी तो ये तो ऐसा ही धपाधप देख रहा होगा। इस तरह से ये गड़बड़ियां आ रही हैं, कोर्ट जो है मामूली अदालती फैसलों को छोड़ के अब इसी में लगेगा। देवेंद्र जी मैं ये जानना चाहता हूं, अब क्या करें? ठीक है, वो मेरी एक टिप्पणी थी। देवेंद्र जी मैं ये समझना चाहता हूं आम दर्शकों की नजर से और उनके लिए कि इन प्रक्रियाओं के जरिए जो पैसा बांटा जाता है उसमें राजनीतिक दखलंदाजियां कितनी होती हैं और पेशेवर गुणवत्ता जो है उसका क्या स्तर होता है इसमें। देखिए, एक तो जैसा अभी चर्चा हो रही है कि भाई आपने जो कहा कि कितने लोगों को गया कितने लोगों को नहीं गया, लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे समझ नहीं आती है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो हैं, जो छोटे लोन देते हैं ग्रामीण महिलाओं को या पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को, उनको भी पैसा दिया गया इसमें से। अब ये जो है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को पैसा दिया गया है, ये किसी छोटे स्तर पे नहीं हो सकता, ये लाजमी है कि या तो सरकार का या फिर नबार्ड और रिजर्व बैंक का इसमें रोल होगा, तभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को पैसा गया है, जो कि कहीं रोल था ही नहीं उसमें मिलना चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये काफी व्यापक स्तर पर यहां पर इसमें खिलवाड़ हुआ है जो इसको देने की बात है। दूसरी बात जो है अहम इंपॉर्टेंट जो बात है, अभी मैं बुंदेलखंड के इलाके से आया हूं, वहां पर मैंने ये देखा है कि अधिकतर जो लोग हैं उनकी जो पीड़ा है, किसानों से बात करें जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं, उनके परिवार ये बताते हैं कि अगर हमें ठीक टाइम पर लोन मिल गया होता तो हमारे परिवार के सदस्य जिन्होंने आत्महत्या की है वो नहीं करते। ये सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं, मैंने देश के हर कोने में देखा है कि किसान को अगर टाइम पर लोन मिल जाए तो वो उसमें से उससे क्या कहते हैं कर्जे से नहीं वो डरता है, वो डरता है एक्चुअली ह्यूमिलेशन से। ह्यूमिलेशन होती है क्योंकि बैंक बाद में आता है, वो आपका ट्रैक्टर ले जाता है, फिर वो आपके बाद में किसान को खुद जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ले जाते हैं, फिर वो गांव में बातचीत होती है कि देखो उसको उसको उसका सामान ले गए, और फिर किसान जो है कई जगह तो ऐसा कई स्टेट्स में ऐसा कि किसानों को भी जेल में कर दिया जाता है जिसका खर्चा भी किसान को देना पड़ता है। अभी तक कुछ स्टेट्स में ये लॉ अभी एग्जिस्ट करता है। ये बड़ी अजीब बात है कि किसानों के लिए ये लॉ है लेकिन अमीर लोगों के लिए नहीं है। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, अभी तकरीबन 1,83,000 करोड़ रुपया बैंकों का बकाया है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है अमीर लोगों का, उसमें कभी नहीं हमने सुना कि किसी को अंदर कर दिया या किसी से उन्होंने उसका कुर्की कर ली, लेकिन किसानों के साथ ये होता है। और यही एक कारण है कि किसान जो है वो खेती छोड़ना चाहते हैं, 42% किसान खेती छोड़ना चाहते हैं और 2,90,000 किसान पिछले 16 साल में मर चुके हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम जो है बहुत गड़बड़ाया हुआ है और उसको ठीक करने की बहुत सस्ता और आसान सा तरीका ढूंढा जाता है कर्ज माफी का। ठीक है, मैं एक वो भी आऊंगा कि जो 7,00,000 करोड़ का जो प्रावधान दिया गया है कर्ज देने का किसानों का, उसकी क्या हकीकत होगी जब इसकी ये हालत है। तारिक अनवर साहब, मेरा एक सवाल है कि जब सीएजी अपनी रिपोर्ट बनाती है, प्रक्रिया का सवाल है, तो वो आपके मंत्रालय को भी संपर्क करती है, मंत्रालय को संपर्क करती है कि हमने ये पाया है, इस पर आपका क्या जवाब है, क्या ये सही है? और अगर जब इस संपर्क करने की प्रक्रिया के दौरान जब आपको ऐसी शिकायतें मिल रही थी
तो आपका विभाग या महकमा क्या कर रहा था, किस तरह की कार्रवाई कर रहा था वो? नहीं, ये इसका तो जैसा हमने कहा ना कि ये सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री से इसका संबंध था और वहां से ये रिजर्व बैंक को दिया गया और उनको गाइडलाइन दिया गया, उनको बता दिया गया कि क्या क्राइटेरिया है लोन माफ करने का, वो सारी चीजें उनको एक्सप्लेन कर दी गई, उसके आधार पर उनको सूची बनानी थी और उनको माफ करना था। तो इसलिए उसमें सीधे तौर पर मंत्रालय का या किसी सरकार का उसमें डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है, उसमें प्रकाश जनता का दिया है। हाँ, पैसा जनता का गया है और वो सही किसान को मिलता तो लोग अच्छा कहते, लेकिन अगर गलत हाथों में गया है और भारी मात्रा में गया है और अल्टरनेशन और ये हुआ है, आपने पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने ये पूरा पढ़ा है रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में अनेक बैंकों के नाम है कि जहां 1200 केसेस देखे उसमें 1150 केसेस में ऑडिट ऑब्जेक्शन है। तो पूरी लूट जहां हुई है वो देखनी चाहिए और उसके लिए किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया। ये एग्जिट कॉन्फ्रेंस करते ही है, दो बार मंत्रालय के साथ बैठती है, वित्त मंत्रालय ने भी केसेस नहीं किए, केवल एक सर्कुलर निकाला कि जांच करो, लेकिन उसका जांच करके एक केस ढूंढ के एक को किसी को गिरफ्तार करते तो भी एक दहशत आती, पैसे वसूल होते। प्रकाश जी, मैं राजनीतिक सवाल करना चाहता हूं आपसे, आपकी नजर में किस मंत्री की जिम्मेदारी बनती है इस मामले में? ये वित्त मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है सर, सीधे सीधे वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है। इसका मतलब वहां जो समझा जाता है कि एक एक पैसे का हिसाब किया जाता है वो भी तरीके से, इसमें ऑडिटर ने कहा है कि उन्हें इस बात की कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही है या पता नहीं चल रहा कि नाबार्ड या आरबीआई ने किसे पैसा दिया जा रहा है, इसकी जांच या निगरानी के लिए कोई व्यवहारिक या दुरुस्त सिस्टम बनाया हो। इसका मतलब नाबार्ड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है हाँ, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास है हाँ, तो उनकी भी जिम्मेवारी इसमें बनती है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। और तारिक साहब तो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते, वो तो कह रहे हैं कि आरबीआई का है, बैंकों का है ना, वो कह रहे हैं कि आरबीआई का बैंक है। तारिक साहब मुझे ये बताइए कि 7 लाख करोड़ आप जब भी किसानों का, जो किसान देख रहा होगा तो निराश हो जा रहा होगा कि अगर 15,000 रुपए, सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर उनके 1,000-2,000 कर्जे के पैसे हैं वो भी घोटाले में चला जाएगा, और ये 90,000 में 20,000 मामलों में ऐसा निकला है, ये कम छोटी बात नहीं है सर। हम किसको जाके ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, और ये 10 सालों से गंभीर मामला है। हाँ, देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सरकार की नीयत को अगर आप देखें तो सरकार की यही नीयत थी कि जो कमजोर और छोटे किसान हैं उनकी मदद की जाए, लेकिन जब ये सीएजी की रिपोर्ट आई और इससे ये बात उजागर हुई है कि इसमें गड़बड़ी हुई है या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी हुई हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि अभी ये मामला पीएससी में जाएगा, फिर पीएससी भी इस मामलों की छानबीन करेगी और वो भी अपना रिकमेंडेशन करेगी कि किस एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए और किस प्रकार से इसकी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हम लोगों को उसका इंतजार करना चाहिए। पीएससी के, जैसा मैंने कहा कि विपक्ष के नेता हैं जोशी जी, उन पर तो विश्वास करना ही चाहिए। वो जब रिपोर्ट देंगे तारिक साहब, अब आप जोशी जी पे इतना विश्वास कब से करने लगे? उन्होंने एक और रिपोर्ट दी थी प्रकाश जी, अब आपको हकीकत बताएंगे, वो जब रिपोर्ट देंगे तो आप क्या स्वीकार कर लेंगे? क्या कर लेंगे उनकी रिपोर्ट? टूजी के मामले में, बिल्कुल टूजी के मामले में प्रधानमंत्री यही बयान दे रहे थे। पीएससी की रिपोर्ट अगर आएगी, नहीं नहीं, टूजी के मामले में तो भाई हम लोग यही कह रहे थे कि आप पीएससी को दीजिए, लेकिन विपक्ष ने कहा कि नहीं, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, जेपीसी बनाइए, और फिर जेपीसी बनाई गई, इसका दोहरे काम हुए। ठीक है प्रकाश, तो मैं समझता हूं कि जो हाँ, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है बहुत अच्छा सिस्टम है। और सर, मैं उसका गुणगान करना नहीं चाहता हूं, मैं देख रहा हूं वो कितना अच्छा सिस्टम है, मुझे पता चल रहा है और सबको पता चल रहा है अच्छा सिस्टम, पर वो इतना भी अच्छा सिस्टम नहीं है कि जिसमें अगर इस तरह से हर तीसरे दिन एक रिपोर्ट आए और पता चले कि घोटाला है तो उस सिस्टम का एक जरूरत से ज्यादा गुणगान नहीं करना चाहिए। अब क्यों झूठ बोलना चाहिए लोगों से? पता है, आप ये कहिए कि एक ऐसा समाज है जो दफ्तर से लेकर बैंक तक में बैठा हुआ है, जो लूट में शामिल हो जा रहा है, जो इस तरह से फर्जी लिस्ट बनाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो 7 लाख करोड़ रुपया आपने किसानों को कर्ज दिया है,
कर्ज के लिए राशि दी है, मतलब कि आप किसानों को मिलेगा। अब ये बताइए कि जब आप कर्जा माफ करने में छोटे किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एक घोटालों का नया पंडारा बॉक्स खोल रहे हैं आप, इसके लिए कौन सा नया सिस्टम बना देंगे आप? नहीं देखिए ऐसा है कि नहीं नहीं तब तो अगर अगर घोटाले होंगे या कहीं अनियमितता होगी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी। सरकार तो अपना फैसला लेगी, सरकार अपना काम करेगी। जी देवेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो किसानों को कर्ज दिया जाता है, ठीक है, हाँ गड़बड़ी होगी उसके जी। हाँ देखिए पहले ही कह रहे हैं ये बात हम सब जानते हैं, पर इसको ठीक नहीं कर पाते ना। सवाल यही है, अंत में जब जवाबदेही जिम्मेदारी और उसकी कीमत आप लोग चुकाते ही हैं, तब या तो जब आपको 10 साल मिला है सर सरकार चलाने का, कोई ये भी नहीं कि कोई ऐसी गठबंधन की मजबूर सरकार हो जो हर तीसरे दिन गिरने वाली हो, 10 साल तक स्थायित्व से सरकार चलाने के बाद एक छोटी मोटी नौकरशाही पर अगर आप काबू ना पाए तो ऐसी स्थितियों में आप घिरेंगे। देवेंद्र जी मैं ये जानना चाहता हूं कि जो 7 लाख करोड़ किसानों का कर्जा है, हम क्यों ना माने कि इसकी भी नियति वही है जो किसानों के कर्जा माफी करने की योजना की नियति है? रवीश जी आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है कि अगर आप देखें दिल्ली में ज्यादा लोगों को लोन कर्जा मिलता है किसानों के रूप में बनिस्बत पंजाब के। अच्छा, महाराष्ट्र से ज्यादा लोन बॉम्बे का लोगों को मिलता है और वो किसान है। इसका मतलब साफ कहीं ना कहीं जो है अनियमितताएं हो रही हैं, और ये अभी नहीं शुरुआत हुई है, ये 1994 से लेकर अभी तक जो है बैंक ने क्या किया, रिजर्व बैंक ने एग्रीकल्चर लोन के अंदर डेफिनेशन उसकी इतनी बढ़ा दी कि इनडायरेक्ट लोन जो कंपनियों को या वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को या राइस सेलर्स को या शुगर मिल्स को, ये सब जो लोन मिला करता है, या कैटल फीड और पोल्ट्री फीड कंपनीज को, ये सारे लोन जो है उसमें क्लब कर दिए। अब ये कमर्शियल कंपनियों को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। अब 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इतने तो कभी कभी, मतलब मुझे कहना है बल्ले बल्ले हो गई है इन कंपनियों की कि अब ये जो 7 लाख करोड़ रुपए दिया गया है इस साल, इसमें से एक रिपोर्ट छपी है किसी अखबार में, उसने कहा है कि वित्त मंत्रालय के अपने कागजों में ये है कि सिर्फ 6% से कम किसानों को, छोटे किसानों को ये कर्जा मिलता है। और तारिक साहब को देखना पड़ेगा ये, क्योंकि वो तो उसके मंत्री हैं कंसर्न, कि वो उसमें 6% यानी इसका मतलब ये हुआ कि 7 लाख करोड़ में से मात्र 42,000 करोड़ रुपया जो है वो किसानों को लोन जाएगा डायरेक्टली 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और बाकी 6.5 लाख करोड़ जो है वो कंपनियों को जाएगा किसानों के नाम पर। दीजिए जवाब तारिक साहब, और एक और जवाब दीजिए, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? मैं ये उम्मीद करूं कि पीएससी सीएजी के पहले या अब इन सब की कार्रवाइयां होती रहेंगी। आपका विभाग जिसके अंतर्गत नाबार्ड आता है, आप अपने विभागीय स्तर पर किसी प्रकार की जांच की कार्रवाई शुरू करेंगे। मेरे सवाल का और देवेंद्र शर्मा जी के सवाल का जवाब दीजिए, और यह भी बताइए कि इस प्रोग्राम के बाद आप ये सीएजी की रिपोर्ट पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। जी नहीं बिल्कुल पढ़ेंगे, और मैंने सही तौर पर जरूर उसको देखा है, लेकिन उसको पूरे विस्तार से नहीं पढ़ा है। बात सही जो हमने इसीलिए सही बात कह दिया, मैं झूठ भी बोल सकता था आप लोगों की तरह कि नहीं, मैंने पढ़ा है, मैंने तो सरकार, लेकिन मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने पूरे तरह से नहीं पढ़ा। हाँ, दूसरी बात ये कि जहां तक ये जो बता रहे हैं गड़बड़ी का, ये बात सही है कि जिस तरह से उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, फार्मर्स की जो परिभाषा है उसको हमको देखना पड़ेगा, और सही मानों में ये देखना पड़ेगा कि किसान को उसका लाभ मिले। अगर 6% बता रहे हैं जैसा, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही कम है, और इसको हम लोगों को ये देखना होगा कि जिस पर्पस के लिए ये लोन देने की बात वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है, वो सही मानों में वो जो छोटे किसान है, मझोले किसान है, उनको उसका लाभ मिल सके, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। जी। और आगे हम लोग इस बात की कोशिश रहेगी कि जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम बनाया है वो मकसद पूरा हो। ठीक है प्रकाश जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला? जवाब तो किसी को कुछ नहीं मिला, सवाल इतना ही है कि मंत्री महोदय आप प्रयास करेंगे, अध्ययन करेंगे और कुछ काम करने की इच्छा रखते हैं, ये किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, सिस्टम का मुद्दा है। देखो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किस में नहीं किया, हेलीकॉप्टर तो गगन में हुआ, जमीन के तो बहुत सारे डिफेंस लैंड स्कैम हुए, कोयले का घोटाला पाताल में हुआ, अब ये खेत का घोटाला है जी, पानी में घोटाला हुआ, हवा में स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, ना हवा छोड़ी ना आकाश छोड़ा, ना घोटाला पंच जमीन छोड़ी ना पाताल छोड़ा, तो सारे पंचतत्व हो गए।
गगन चलिए आप लोग हवन करते तो रहिए संसदीय प्रक्रियाओं का। जरूर आप लोगों ने जितनी ईमानदारी से बात की उतनी ईमानदारी से दर्शकों तक बात पहुंच गई है। छोटे से ब्रेक के बाद हम चलेंगे उन तन्हाइयों में जहां इस तन्हाई को आवाज देने वाली एक गायिका आपका इंतजार कर रही है। कभी तन्हाइयों में के बिजली कौंद जाएगी, अंधेरे छा रहे होंगे। आज ये आवाज सहारे के लिए करहा रही है। इस उलझन से मुझको बचा लो ऐ मेरे हमराही। आज ये आवाज तन्हाई और गम की चार दीवारी में तड़प रही है। ये वो मखमली आवाज है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के कीमती 40 साल दिए। लेकिन चकाचौंध से घिरी माया नगरी में ऐसा कोई नहीं जो इनका दर्द बांट पाए। नामचीन अभिनेत्रियों को आवाज देने वाली मुबारक बेगम बड़े बड़े म्यूजिक निर्देशकों से लेकर गायक मोहम्मद रफी तक के साथ काम कर चुकी हैं। जब आमदनी नहीं होगी तो मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। फिर वैसे चल जाता है, अल्लाह मियां देता, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उसके लंबे हाथ है। लेकिन अब मुंह से हम खुद कहें तब उनको मैं क्या कहूँ। उनको खुद मालूम होना चाहिए कि भाई इस तरह सा कैसे वक्त गुजर रहा होगा। मुबारक बेगम की असली नाराजगी सरकार से है जो महज 700 रुपए महीने की पेंशन देकर अपना पल्लू झाड़ रही है। जबकि मुबारक को अपने 40 साल की बीमार बेटी पर हर महीने करीब 5 से 6 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अच्छी बीए पढ़ी हुई है लेकिन वो फिर घर की परेशानी देख के उसको पार्किंसन हो गया। सब मतलब खर्च तो खर्च ही है ना, फिर एक एक पैसे का लगता है, फिर सोसाइटी है, ये है, इसको मेंटेनेंस। उनको बेटा टैक्सी चलाकर जैसे तैसे घर का खर्च जुटाता है। एक समय ऐसा है कि मुबारक बेगम के उनके गाने सुनने पर लोग तरसते थे। आज उनके लिए आज कैंसर पीड़ित है कोई सामने नहीं आ रहे। इस तरह का ये पहले केस नहीं है। इसमें मीना कुमारी जी को आप देखिएगा, सावित्री जी को देखिएगा। बेगम की दूसरी शिकायत उस फिल्म इंडस्ट्री से है जिसके पास उनकी खैर खबर लेने तक की फुर्सत नहीं। मुबारक बेगम ने 50 के दशक में अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की थी, लेकिन जल्दी ही वो फिल्मों में गाने लगी। राजस्थान की रहने वाली मुबारक बेगम को बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मधुमती के इस गाने से। हम हाल दिल सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए। फिल्म उस दौर में हिट साबित हुई और मुबारक की आवाज भी। फिल्म हमारी याद आएगी से मुबारक को शोहरत मिली। और इसके बाद
60 के इस दशक में मुबारक ने एक से बढ़कर एक नगमे इस इंडस्ट्री को दिए। आप क्या जाने मोहब्बत का तकाज़ा क्या है, हो बेमुरव्वत बेवफा बेगाना दिल आप हैं, बेमुरव्वत बेवफा बेगाना दिल आप हैं। ए दिए दी याद रखना सनम प्यारे की दास्तां, सुन रही है जमी सुन रहा आसमां, सुन रही है जमी सुन रहा आसमां प्यार की दास्तां। मेरे को खुद हैरत होती कि मैं इतने मुश्किल गाने, मदन मोहन हैं, सज्जाद हुसैन हैं और बहुत बड़े बड़े जिनके बहुत मुश्किल गाने बनते थे। लेकिन 70 के दशक में आते आते इन्हें इंडस्ट्री भूलने लगी, क्योंकि यही वो दशक था जब संगीत की दुनिया में नई नई आवाजें छा रही थी। फिर क्या किया जाए, फिर काम बंद हो गया और फिर गुजारा किस तरह चले। फिर फंक्शन कर लेती थी थोड़े बहुत, लेकिन उस वक्त पैसे तो मिलते ही नहीं थे, 100-150 रुपए। दरअसल आवाज से दिलों पर राज करने वाली मुबारक बेगम आज मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में महाड़ा के 450 स्क्वायर फीट के छोटे से घर में बसर कर रही हैं। घर चलाने के लिए गायकी में कदम तो रखा, लेकिन वही गायकी इतना भी ना दे सकी कि आज उनका घर चल सके। लेकिन खुददारी उन्हें किसी के आगे झुकने नहीं देती और उनकी माली हालत उन्हें इस तंगी से उठने नहीं देती। तभी तो मुबारक आज अपनी तन्हाई में मदद की आस लिए ये गीत गुनगुना रही हैं। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे के बिजली कौंध जाएगी, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी